Students, welcome to next video. हम पढ़ रहे थे बेटा 4A exercise 4A. मैंने आपको question 1 to 14 class में solve करवा दी थी. आज की class में हम question number 15 to 22 discuss करेंगे. Okay? 15 and question number 16. पहले question जैसा है, थोड़ा सा change है. वो देखो क्या करना है. Express -36/24 as a rational number with numerator. आपको -36/24 गिवन है, उसका न्यूमिनेटर हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, -9, एंड सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वो 6. मेरे पास गिवन क्या है, -36/24. इसमें जो न्यूमिनेटर है क्या दिया हुआ है, -36, और मुझे ये क्या बनाना है, -9. फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इसको कितना कर देना है, -9. अब ये -9 करने के लिए तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 36 है, और किससे डिवाइड करोगे, 9 आ जाए. हम इससे कर लेते हैं, 9 4 जा 36. वो जो 4 जा आया, उस 4 जा से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. आप यहां लिखेंगे क्लियरली, ये क्लियर है कि -36 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है. ठीक है, अगर मैं -36 को 4 से डिवाइड करती हूं तो मेरे पास क्या आता है, -9. और यही हमें चाहिए, तो इसको नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नाउ वी, अब हम यहां पर पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई. अब मैंने यहां डिवाइड किया है, डिवाइडिंग and denominator by 4. -36/24 को इससे डिवाइड करोगे, 4/4. जब इससे डिवाइड करते हैं, 4 9 जा 36, बट माइनस, क्योंकि हम माइनस का सिंबल, 4 8 जा 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32. तो हमें यहां क्या आएगा, 4 6 जा 24, और हमारी रिक्वायर्ड यही थी, तो ये हमारा आंसर. और ये सेम पैटर्न आपको दिख रहा है. सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, हमें चाहिए न्यूमरेटर 6 बनाना है. 6 बनाने के लिए मेरे पास गिवन क्या है बेटा, -36/24, और इसमें न्यूमरेटर क्या है, NUM से लिख रही हूं मैं इसको, आप पूरा लिखेंगे, -36. -36 को मुझे 6 लाना है, 6 से एक बार करते रहते हैं, 6 6 जा 36, यानी कि यहां क्या क्लियर हो गया, -36, और देखो प्लस का लेके आना है, क्या लेके आना, प्लस का, तो हमें ये माइनस भी कट करनी है. तो माइनस कट करने के लिए क्या करोगे, -6 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और 6 6 जा 36, ये आपका आ जाएगा. जब ये इतना आ जाता है तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6. ये लिखने के बाद सुना करती हूं, -36/24 डिवाइड बाय -6, -6 से डिवाइड कर रहे हैं, -6/-6, ये माइनस से ये माइनस कट हो गया, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, लेकिन ये माइनस आए, और हमें न्यूमिनेटर की 6 में चेंज करना था, ये हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें न्यूमिनेटर चेंज किया, उसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर हम क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर number with denominator
माइनस 41 आपको डिनोमिनेटर शो कर रहा है। जब हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं हमें डिनोमिनेटर क्या कर देना है, किसमें एक्सप्रेस कर देना है, 7। मेरे पास इवन क्या है बेटा, 84 अपॉन माइनस 147। तो यहाँ मेरा डिनोमिनेटर क्या है, लिखना है।
35 upon 49 minus 27 upon 45 or minus 68 upon 109. Okay, pehle ek ko simple kar lete hain. Minus 14 upon minus 49. Bete isko cut kar dena hai, chote se chota number nikala jab tak wo cut hona na band kar de, tab tak aap isko cut karte jaoge. Jo fir aapka small number aayega wo uski standard form. 35 and 49 दोनों ही 7 के टेबल्स में आते हैं तो इसको डिवाइड कर सकते हो 7 बाय 7 एक तरीका ये है आपका 7 5 जा 35 7 9 जा 49 अब आगे नहीं कटो ना तो ये क्या है इसकी स्टैंडर्ड ओके नेक्स्ट में देखो माइनस से माइनस कर गया 14 और 49 दोनों ही किसके टेबल से डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों 7 से तो डिवाइड बाय 7 एंड 7 7 2 जा 14 7 9 जा 7 7 जा 47 49 7 आई 7 7 जा 47 ठीक है नेक्स्ट है फिर 27 एंड 25 अब इसमें ऊपर माइनस है नीचे नहीं तो माइनस नहीं कर दोगे 27 एंड 45 किसके टेबल में आते हैं दोनों 9 की में आते हैं ना तो डिवाइड बाय 9 एंड 9 9 3 जा 27 9 5 जा 45 ये किसकी क्या हुई स्टैंडर्ड अब ये किसकी टेबल में आएगा अब इतना बड़ा नंबर है मेरे को ध्यान में नहीं रहता या तो ये हो कि डिजिट का सम करके देख लो ये तो 2 से हो रहा है लेकिन ये 2 से नहीं हो रहा तो ये किसकी टेबल में आते हैं 17 किसकी में आते हैं 17 17 4 जा क्या होता है 68 और 17 क्या होगा 17 9 जा 105 इसको 17 बाय 17 देखो हाँ इसको करो अगर आपसे ये ऐसे ना हो तो आप इसको ऐसे भी कर लेना यहाँ क्या आया माइनस 4 और इसके लिए सेवन सेवन जा सेवन सेवन जा 49 सेवन जा सेवन एंड फोर तो क्या आ रहा है यहाँ पर सेवन अब ये अगर आपको ये रफ वर्क करना है तो ये रफ में कर तो इस तरह से ये क्वेश्चन था तो ये सभी पार्ट आपके जो है क्वेश्चन नंबर 17 है ये इस तरह से कर ठीक है जैसे एक और है 299 माइनस 160 अब इसको करना है किससे करना है ये कंफ्यूजन हो जाती है पर किससे कट होगा ठीक है एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपको ना ही पता चले कि किससे करना है 299 को 161 से डिवाइड करते देखो फिर वो नंबर फाइंड आउट हो जाएगा जिससे ये डिवाइड होगा तो 161 ठीक है ना तो हम इसको यही छोड़कर इसमें आगे चलते हैं तो ये आपका क्या आया जब इसको करते हैं वन ये हो गया होल नंबर और ये जो रिमाइंडर है यहाँ वो 161 नीचे लेकिन इसका जो ये माइनस है ये भी आप लिखो ये सामने आ जाएगा ठीक है माइनस वन 131 अपॉन 161 ये इसकी स्टेप ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 फिल इन द ब्लैंक्स ओके माइनस 9 अपॉन 5 इक्वल टू डैश 27 डैश माइनस 40 अपॉन डैश ये क्वेश्चन आपने 6 में भी पढ़े हैं ठीक है ये सभी इक्विवेलेंट है आपस में क्या है इक्वल है ये इसके इक्वल है फिर ये इसके इसके चारों आपस में इक्वल है तो हमें उनको छोड़ो पहले हम इन दो को फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले हम दो को लेते हैं माइनस 9 अपॉन 5 डैश
डॉट डी, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसकी जगह मैं इसको एक्स मान लेती हूँ, मैंने क्या मान लिया, ये नंबर एक्स। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, जब माइनस नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो इसके ही नीचे लिखती हूँ, माइनस नाइन वाला इधर लिखेगी और इधर क्या होगा फाइव मल्टीप्लाई, यहाँ ए ले देती हूँ, एक्स आपका मल्टीप्लाई जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, अब ये जो फाइव है ये मैं अगर इधर ले आऊँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, और उधर क्या रह गया ए, फाइव वन जा फाइव, फाइव फोर, ठीक है, नीचे वन, माइनस नाइन और मल्टीप्लाई फोर नीचे वन, इसको ना भी लिखोगे तो नहीं फर्क पड़ेगा, उधर ए, ए इज इक्वल टू माइनस 36। तो ये जो पॉइंट मांगा था मैंने ये क्या आया माइनस 36, माइनस 36, देखो एक कॉलम हो गया मेरे पास। अब मुझे जब ये फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, अब या तो आप इन दोनों को ले लो या फिर आप इसी के साथ ले लो, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन होंगे बेटा, ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये एरो इधर लगा तो ये इधर ही आएगा, इसकी ये एरो इसकी तरफ है और ये एरो उसकी तरफ है तो वो उस तरफ आएगा, ये भी मान लेते तो ये बी मान लिया, ठीक है, माइनस नाइन मल्टीप्लाई बी 27 मल्टीप्लाई 5, ओके, मुझे सिर्फ इधर बी रखना है और ये मल्टीप्लाई तो मैं उधर ले जाऊंगी, उधर ले जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 9 वन जा 9, 9 थ्री जा 27, बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 और ये जो माइनस है नीचे 1 तो ये माइनस यहाँ लिखो या इसके आगे 15, ये माइनस आप यहाँ। अब बी का वैल्यू क्या आया हमारे पास माइनस 15। अब थर्ड पार्टी निकाली है, थर्ड पार्टी के थर्ड स्टेप में फिर वही लेंगे, ये ऐसे ही होगा ना कि सीधा, और आप इसको ऐसे फिल कर रहे हो अंडरलाइन कर, फिर मैं 9 रखूँ 5 के साथ ले लेती हूँ माइनस 45 अपॉन डैश डैश, इसको क्या मान लेते हैं सी, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका सेकेंड पार्ट भी ऐसे माइनस 9 मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू माइनस 45 मल्टीप्लाई 5, सी रखूंगी इधर बाकी को लेकर जाऊंगी, तो ये डिवाइड है मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कर दो, 9 वन जा 9, 9 फाइव जा सी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 25, तो यहाँ पर मेरे पास जो सी है ये क्या है 25, ओके। इसका सेकेंड पार्ट भी आपको सेम करना है, इसका सेकेंड पार्ट आपको इसी तरह करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 19, मैं सोच रही थी वीडियो छोटा बनेगा लेकिन नहीं बन पाता, क्वेश्चन अपने इतने लंबे हैं। 19 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट से ही समझो, इक्वल वर्ड आ गया तो इक्वल मतलब इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर इक्वल, रेशनल नंबर, दो दो रेशनल नंबर दिए पेयर दिया क्या वो आपस में इक्विवेलेंट है मींस इक्वल है ये चेक करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है माइनस 13 अपॉन 7 एंड 39 अपॉन माइनस 20, थ्री अपॉन ग्रेड माइनस 1 अपॉन 4, टू अपॉन थ्री अपॉन, ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो उसके लिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से इजी पड़ेगा, तो माइनस 13 मल्टीप्लाई माइनस 20, ठीक है, ये वन से आप ऐसे कर लो उसके बीच में लाइन लगा, ठीक है, माइनस 13, देखो जब माइनस 13 इधर है तो ये इधर आएगा, ऐसा नहीं कि आपको इसको उधर लिख दोगे, नो, माइनस 13 इधर है तो याद ना आएगा, ऊपर क्या है 39 और मल्टीप्लाई 7, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, जब आप माइनस माइनस करते हो तो क्या हो जाता है उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है प्लस, 13 वन जा 13, 13 टू जा 26 एंड 1 27, इधर से करो 7 9 जा 63, 7 3 जा 21 एंड
कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन। उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें भी इसी तरह करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 4 − 1 × 12, 4 × 3 = 12 and −12, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का, नो, दिस पेयर इज नॉट इक्विवेलेंट, इज नॉट इक्विवेलेंट रैशनल, ठीक है। इसमें देखो 2 × 2 = 3 × 3 = 4 9, नॉट इक्वल। इसमें भी लिखेंगे दिस पेयर ऑफ नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, क्या लगेगा, नॉट इक्विवेलेंट रैशनल। नेक्स्ट है फिर फाइंड x, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, यही पैटर्न है, ठीक है, इसी से करना है, क्रॉस x जो दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या यही तरीका आपने सेम पैटर्न लगाना है, फाइंड x सच दैट −1/5 8/x, ठीक है बेटा, आपको वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, −1 × x 8 × 5 x 8 × 5, और जो ये −1 है इसके बाद वन कर लिया, नेक्स्ट 8 × 5 = 40 और ये माइनस यहाँ लगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला वन लिखने की जरूरत नहीं थी, x की वैल्यू क्या आई, −4। ओके नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, g/5 x/−20, ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, g × −25 = x/5, ये 5 इसके नीचे ले आएंगे और उधर क्या रहेगा, x 5 × 5 5 × 5 = 25, ओके x मैं आप इधर लिख सकती हूँ, g और −5 की मल्टीप्लाई लिख लो एक बार, क्या बचे, नीचे वन, नीचे का वन आप बात लिखना, 5 × 15 बट माइनस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास माइनस, इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, जैसे 5 और 6 सेम सा एग्जांपल है, दोनों में आप कंफ्यूज हो गए मुझे पता है, देखिए 6 × x = −4, बेटा जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप लगा सकते हो, बताया था एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर,
quotient of two integer is always a rational number. Quotient of two integer को जब divide करते हो जो answer और आता है, वो हमेशा ही rational number होता है. No, always नहीं. False. Every fraction is a rational number. Yes, every fraction is a rational number. ये सब क्या है? Rational number. True. अब कहते हैं every rational number is a fraction? No. क्योंकि ये ऐसे भी तो हो सकता है या ये ऐसे भी हो सकता है तो ये फ्रैक्शन ना होके ये ओनली रैशनल नंबर होगा क्या होगा फोर्स ओके बेटा मैंने आपका एक्सरसाइज 4A कंप्लीट करवा दिया है आप ये कंप्लीट करने के बाद उसका पिक मेरे को भेजेंगे और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे ये करने के बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी ओके थैंक यू